और आज हम लोग यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है लाहौर में, लाहौर ईद्स के नाम से, सॉरी लाहौर ईद के नाम से. इससे पहले कराची में ये फेस्टिवल हो रहा था और फिर अब लाहौर में है. हमारा ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग लाहौर में ये फेस्टिवल अटेंड करने आए हैं. यहाँ इससे पहले हुआ है लेकिन आई थिंक हमें इस साइड पर आजम से लाइट बहुत कम है वहाँ पर. यहाँ पर फिर लाइट अब कम हो ही गई है. नहीं नहीं, मुझे लगता है मौसम के मोबाइल की लाइट कम हो गई है, क्या करें. हाँ, और इसकी जो एंट्री टिकट है वो 300 है. डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बोलते थे कि हम लोग व्लॉग बनाएं जिसमें हम फूड दिखाएं पाकिस्तान का. हाँ. और डिफरेंट लाइक कल्चर दिखाएं. अब कल्चर यहाँ पर नज़र आएगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि फूड आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा और ये कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है. आई मीन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सकें और आपको दिखा सकें. तो पहले तो हम लेंगे टिकट्स और उससे पहले उसके बाद मैं बताऊंगी मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी है मौसम के बारे में और मौसम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊंगी. मौसम कितना रिस्पॉन्सिबल, अगर आप देख भी सकते होंगे तो मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा आपको शायद स्टॉल नज़र आ रहे हो. तो चलिए हम लोग पहले ले लेते हैं टिकट एंड देन हम लोग डिफरेंट स्टॉल्स की तरफ चलेंगे. सो लेट्स गो. चांद भी ज़्यादा बढ़ती है. यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोग अभी स्टॉल के अंदर आ गए. 300 की हमें एक टिकट मिली है और सिक्योरिटी की वैसे काफ़ी अच्छी है. आई मीन काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है. हाँ, और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं. स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी मिली हुई है इसकी, वो काफ़ी बड़ी है और हमारे ऊपर से एक अदर ड्रोन जा रहा है और वो क्या बोलते हैं, जगह को देख के ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छी स्पॉन्सरशिप है. हाँ, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से मैनेज भी किया हो. इससे इससे पहले जो है हमने एक और जो है अटेंड किया था, वो भी काफ़ी अच्छा था. वो था वो था कहाँ पे, शादी डार्क हो गया, वो था लेक सिटी में. और उसमें भी हमें बहुत मज़ा आया था. वो थोड़ा वहाँ पे हम देर से पहुँचे थे लास्ट में, लेकिन ये कि वहाँ पर भी ये था कि फूड स्टॉल्स थे और साथ में कॉन्सर्ट था. यहाँ पर भी यही है. यहाँ पे कॉन्सर्ट का नहीं मुझे कोई पता, क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च करके नज़र आ गया, मुझे नज़र आ गया बिल्कुल. ये है कि अभी हम आपको ऐसा दिखाएंगे यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं. हाँ, बॉम्बे चपाती भी है. बॉम्बे चपाती भी है. वैसे मुझे बॉम्बे चपाती बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छा यहाँ पर कोई भी स्टॉल, मैं यहाँ पर बता रही थी, कोई भी बहुत सस्ते वाला कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ. ये सारे महंगे महंगे वाले स्टॉल हैं. और हम लोग बेसिकली जहाँ पर ये इवेंट हो
यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है पोलो, पोलो होती है। और हमारे पीछे बहुत ही अच्छा एक स्टॉल डेरी मिल्क कैडबरी का, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ड्रोन नहीं है, नहीं तो हम आपको अच्छे अच्छे शॉट्स लेकर जरूर दिखाते। हाँ, और आई गेस ये लोग शायद कुछ कॉफी में रखते हैं, तो मैं कॉफ़ी तो बिल्कुल ही पीऊँगी क्योंकि कॉफ़ी क्योंकि वैसे नहीं ठीक इनका, इन्हें बहुत मुश्किल से आ जाएंगे। मतलब मैं चाह रही थी कि मैं आपको साथ साथ दिखा रहे हैं अभी, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही क्योंकि मैं अभी अभी बहुत ज़्यादा बीमार होकर ठीक हुई हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ जैसा ये दोबारा पीछे बीमार हूँ। हाँ, बाकी नहीं चाहते खाऊँ कि मैं, वैसे यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं है, आई मीन सब अच्छा ही मिल रहा है खाने में, बहुत हाइजीनिक है, लेकिन फिर भी बाहर का खाना, बाहर का खाना भी बाहर का ही होता है और हम नहीं चाहते कि थोड़ा थोड़ा सेम ही है तो फिर से बीमार हो जाए। बहुत सारे लोगों ने हमें मुझे इनबॉक्स में भी कहा था कि आप पूरा वीक ऑफ लें, आराम करें, ईमान जी बिल्कुल ठीक हो जाएं तो फिर आप दोबारा वापस आइएगा। मैंने इन्हें बताया नहीं था, मैं कहा चले इन्हें बताऊँगा, पर फिर इन्होंने कहना भी बताया क्यों नहीं, मेरी याद नहीं था। नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और जो आपको पसंद आए और आप पाकिस्तान को देख सकें हमारी नज़र से, आई मीन हमारे कैमरे की नज़र, हमारे कैमरे की नज़र से बहुत सिंपल ब्लॉग बना रहे हैं। सिर्फ हमारे पास एक मोबाइल है और एक हाथ है और साइड पर एक स्क्रीन है, आई होप कि आपको बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। कोशिश हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स ले सकें, कैसे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, वैसे आज का व्लॉग बनाने से पहले ईमान जी का थोड़ा प्लान ये था कि हम खुद कम आएंगे और चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आके इनका प्लान बदल गया, ये खुद ज़्यादा आ रही हैं, चीज़ें कम दिखा रही हैं। हाँ जी, और इस टाइम कई लोग हमें देख के हंस रही हैं, कह रहे हैं कि पागल हैं, बातें कर रहे हैं। आज मैं ये ज़्यादा हद तक कि एक वो चीज़ ख़त्म हो गई है, लाइक पहले जब हम लोग बाहर जाते थे ब्लॉग बनाते थे इतना तो मुझे एक थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी कि लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे इस तरह का कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि नहीं ना हो फिलहाल एनी प्रॉब्लम। मुझे तो लग रहा है अभी लाइट भी बात होगी, आपके कैमरे में लाइट बहुत हो रही है। अच्छा, नहीं मुझे शाम भी हो रही है इस वजह से शायद, और क्या था में था कुछ। मैं पीछे गया हमारे सामने उस साइड पे है तो नज़र आ रहा था ना इधर फ्रंट स्क्रीन, क्या हो गया। हाँ, वैसे हम लोग सैमसंग यूज़ करते हैं, नहीं हम लोग कौन सा वाला यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कॉलगेट, और हमारे इस कल्पर सिटी का स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा हुआ है, लाइक कुकिंग वर्ल्ड कुकिंग की खाने पीने भी काफ़ी चीज़ें। वैसे हम किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल्स कौन कौन से लगे हुए हैं। सारे अच्छे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और उसके बाद ये सामने जो है मेरा ख्याल बिलाल सईद है, चाहे दिनों ने आ जाना है, आज ही आ रही तो मेरा ख्याल है हमें पहले ही थोड़ी आगे जगह जाके ले लेनी चाहिए, ताकि मैं तो नहीं आगे जा रही, नहीं मैं तो थोड़ी नहीं चले, मैं भी फिर इनके साथ ही हूँ क्योंकि मैं भी फिर आगे नहीं जा रहा, जहाँ पे ईमान वहाँ पे मैं। समझ आ रही आप लोगों को सारा भी समझ नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हम अपना एक सिग्नेचर वाला वो शॉट लें
ऑनेस्टली हमें इतना अच्छा लग रहा है ना व्लॉगिंग करके, काफ़ी दिनों के अरसा हो गया, काफ़ी अरसा हो गया हमने व्लॉगिंग भी नहीं की और काफ़ी दिन हो गए किसी पार्क में भी नहीं गई। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर भी एक बहुत मज़े की जगह पर लेकर जाऊँगी और मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। मुझे भी नहीं बताएंगे? नहीं, मैं आपको लेकर जाऊँगी। अच्छा, लेके तो आपने मुझे जाना ही, लेकिन बताएं तो सही जाना कहाँ पे है। यहाँ पे सेफ गार्ड भी वाले भी हैं। नहीं, मेरा खाने भी कुछ खा ले। चले ठीक है, गाड़ी अभी बाय। और हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि हम लोग क्या खाना चाह रहे हैं। एक्चुअली मौजम ने तो अभी भी डिसाइड नहीं किया, मैंने रैंडम चीज़ें को खा ली हैं। आई डोंट नो, मैंने कहा ये मैंने पसंद है, ये आपने पसंद किया, लेकिन मेरे लिए है। हाँ, लेकिन मैं भी खा सकती हूँ। हाँ, खा सकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगी है जो बालकुंडा मैंने लिए सोचा, मैंने बालकुंडा ऐसा देखा जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है। क्या इसको क्या बोलते हैं, भाई हाइड्रोजन क्या है? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो चले थोड़ा स्ट्रो पर करें, स्ट्रो भी नहीं निकल रहा। कुछ भी नहीं कर रहा भाई, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। क्या मतलब ऐसे डेकोरेशन पीस उन्होंने आपको दे दिया हो? अच्छा, खाना यहाँ पर काफ़ी बेहतर। अगर हम ये, मैं फर्स्ट टाइम नाचू की ट्राई कर रही हूँ, मुँह से मत निकालो, मैं कैसे खाऊँगी? मैंने आपको मुँह से निकाला हुआ थोड़ी देना है। और इट कॉस्ट 250 और एक मैंने बीच में उठा दिया। ये मार्गरिटा मेरे लिए, ये 200 का है। एंड पास्ता नहीं, यस दिस इज चीज व्हील पास्ता, ये भी ये है 300। मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे इतना, लेकिन चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। मेरे वाला तो काफ़ी मजे का, मैं तो मज़ा आ रहा है खाने का। ट्राई करेंगे आप? वैसे ट्रायल ये कर चुकी हैं, मैं फिर भी खाना चाहूँगी क्योंकि इसके अंदर सॉस है, ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स हैं, और ये पता नहीं कौन सी वाली क्रीमी टोमेटोज भी है, योगर्ट, योगर्ट लगा है, जलेबीनो भी है। और अच्छा, ये आइस, गला मेरा ऑलरेडी ख़राब है यार, आप लोग तो आई होप आप लोग कर रहे हैं। योगर्ट नहीं है, क्रीम लगा ना, मज़े रहे, मज़ा आ रहा है खाने में। गला ख़राब है ना, जो सी क्रीम बना वो ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे बहुत ज़्यादा समझा लगता था कुछ ऐसा नहीं खाना जैसे गला खराब हो, मैं फिर से खा लूँगा। और हमारे वो सारे फ्रेंड्स जो नॉन वेज हैं, देखिए हम लोगों ने भी ऐसा नहीं खाया, नहीं सॉरी जो वेज है, आई एम सॉरी, जो वेज है हम लोग कुछ ऐसा नहीं खा रहे। नहीं नहीं सॉरी, जिसके अंदर चिकन है नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा इतना ज़्यादा चिकन नहीं है, थोड़ा सा चिकन। आप बाहर जाते हो आपको चिकन के अलावा कुछ मिलता नहीं है, मतलब नहीं मिलता है, दाल सब्जी खाने से आप आते नहीं हैं, वो तो घर में बैठ के भी आप खा सकते हैं। ज़्यादातर लोग शायद करते हैं कि हम लोग चिकन तो सॉरी, वो सब लोग जिनको चिकन से प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ है वो खत्म हो रही है, वो मैंने कहा ले लें, वरना बाद में लग रहा मैं तो बातें करती रही, तुम सब देखा 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 मालूम था। और ये मैंने
और ये मैंने खाया है और इन्होंने बाद में भी खाया है, हम दोनों ने खा लिया। एनीवे अभी थोड़ी देर तक कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, आई गेस फिलहाल आना जा रहे हैं। बचपन में एक सॉन्ग सुना था बहुत फेमस हुआ था, मैं डूब रहा मुझे बचाना, एग्जैक्टली मैंने भी सुना था, काफी अच्छा गाना था मेरा ख्याल में, आज भी मेरे ख्याल में वही वाला सॉन्ग मे बी हो सकता है। तो थोड़ा सा डांस होगा, थोड़ा मौज मस्ती होगी, आई होप कि आपको भी हमारे साथ मज़ा आ रहा होगा। एंड बहुत सारी यहाँ पर लड़कियाँ इतनी हैं मौजूद की, तो चांदी वैसे मुझे ऐसा है नहीं है लेकिन मैं वैसे और काफ़ी ज़्यादा यू नो मेरे पास देखना देखना कोई गुनाह तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, आप हाँ, का हक हाँ, है। और साढ़ा हक किसी ने बोला था मुझे, मतलब लड़कियों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं वो निकाल लेती हैं चाहे वो बीमार हो जब बाहर निकल जाए। सही बात है, मैं एग्री करता हूँ जिसने भी कहा। और वो हथियार कौन से होते हैं, लाइक लाइनर, मेकअप, लिपस्टिक, आईलाइनर, सॉरी ये आईब्रोज, आईब्रोज लाइक, तो अच्छी बात है ना, करना चाहिए आपको बाइडिंग तो अच्छा नहीं फील होगा। लड़के अच्छे हैं ना बेचारे, सिंपल ही तो मुझे पता है मौसम कितना सिंपल बाइडिंग करता है ना बहुत। मैंने क्या, मैंने मेकअप किया हुआ है, मैं बताऊँ मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी थोड़ी देर तक हम लोग अभी फिर से घूमे फिरेंगे और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, बट आप शॉल लेके आई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको उसमें ठंड लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी शायद चाय पी गई या कॉफ़ी पी गई, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है और मुझे नहीं पता कि मैं ये ऑर्डर को अब क्या कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गंदा खाना है। इन्हें वैसे बहुत गुस्सा था जब इन्हें खाना मजे का खाना मिले, मैं खाती हूँ इनके इनके एक्सप्रेशन आप लोग बता रहे हो। चलो तो चले फिर खाने के लिए ढूंढते हैं दोबारा से, चले पाकिस्तान दिखाएं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान कैसा है। बिल्कुल, बाय बाय।